व्हाट इज योर नेम? मैम ध्रुव तलवार। ध्रुव, ध्रुव अपना पेपर कैसा गया? मैम पेपर तो अच्छा था, लेवल का था मैम, लेकिन मैथ्स थोड़ी थी वो ज़्यादा डिफिकल्ट थी मेरे अकॉर्डिंग। फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी नहीं थी, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, मैथ्स थोड़ी ज़्यादा थी अच्छी। तो पेपर में आपको सबसे टफ पोर्शन मैथ्स ही लगा? ठीक है, तो कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? मैम कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, पूरा जेई का पेपर उसी से आ रहा है। आज का पेपर लमसम मॉडरेट रहा है ना, लास्ट जो कल का रहा है वो थोड़ा ईजी था पेपर, बच्चों ने बताया। जी मैम। आज का मॉडरेट रहा है। जी मैम। और काउंसलिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? मैम अभी काउंसलिंग अभी तो जेई के एडवांस की बात होगी, इसकी 19 तारीख को होगी, 19 जून को, तो मैम उसी के बाद, उससे पहले तो अब सीयूटी का पेपर है, सीयूटी का एग्जाम, तो वो भी सीयूटी भी दिए हुए हैं, अच्छा तो मैम उसका भी देंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग की अपडेट्स आप हमारे चैनल द मेंटा पे ले सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसमें और बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने काउंसलिंग एंड गाइडेंस दिया हुआ है, तो आप इस चैनल पर वीडियोज़ देखिए और काउंसलिंग में आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, द मेंटा को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो यू कैन यू से समथिंग अबाउट एग्ज़ाम, कि अंदर कैसा माहौल रहता है, कैसे बच्चे अंदर जाते हैं परफॉर्म में अपना बैठते हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स और नर्वसनेस क्या होती है? आई थिंक एवरी थिंग इज़ नॉर्मल एंड द स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली, बट आई थिंक देर इज़ अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट इन द क्लीननेस ऑफ दिस थिंग। द डेस्क आर टू डर्टी, देर इज़ टू मच डस्ट आउट देयर एंड एवरी थिंग इज़ वेल, द एग्ज़ाम वॉज प्रीटी वेल। एंड हाउ योर स्कोर, यू विल बी स्कोरिंग हाउ मच? I can't really guess that, but the exam was pretty good. ठीक है, आप द मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा काउंसलिंग्स के लिए, हम लोग काउंसलिंग्स के वीडियोज़ इसमें अपलोड करते हैं, जितनी भी काउंसलिंग होती हैं। आपको कुछ नाम पता है उनके? No, I don't know. Any counseling you don't know? No. Like JOSA, CSAB, something you have heard? Okay, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल आएगी। और कितने भी परसेंटाइल आए जेई मेंस में, उस परसेंटाइल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, वो सब हम आपको बताएंगे हमारे चैनल पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लाइन आ रही है। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज आदर्श पटेल। आप तो गेल सुपर 100 से हैं? यस। वहाँ पर हमने सेमिनार भी किया है, आपने देखा होगा। नहीं किया? हम वहाँ पर आए थे, हमने सेमिनार किया, बच्चों को बहुत गाइड किया। पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया। आपका? यस अच्छा गया। कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, कितने नंबर आएंगे? नंबर 180। एम 150। यस। तो एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है? एडवांस की तैयारी बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है दोनों लोग की। yes, तो क्रैक कर लेंगे, आईआईटी तक पहुंच जाएंगे? यस मैम कंफर्म। कौन सा आईआईटी? दिल्ली। दिल्ली। मेरा तो आईआईटी कानपुर ही ड्रीम है। ड्रीम है आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो आज का पेपर तो अच्छा गया, आपकी मुस्कान बता रही है, और एडवांस के लिए बहुत ऑल द बेस्ट हमारी टीम द मेंटा की तरफ से, और पूरे बच्चों को जो गेल में पढ़ रहे हैं सुपर 100 में, उन सभी बच्चों को हमारी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एडवांस। थैंक यू मैम। एनी टिप्स यू वांट टू शेयर? यस मैम, हमारे यहाँ पे कानपुर गेल सेंटर में हमारे चीफ मैनेजर बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को गाइड करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट जेई मेंस के बाद ही एडवांस की तैयारी शुरू कर दी थी, सेकंड मेंस में हमारे यहाँ से कोई ऐसा नहीं था जिसे सेकंड मेंस की ज़रूरत पड़े, इसलिए प्रॉपरली हम लोगों ने फर्स्ट जेई मेंस से ही एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ प्रॉपरली वीकेंड में 2 या 3 टेस्ट होते हैं एडवांस के, और अभी सेकेंड जेई मेंस की वजह से 1-2 टेस्ट जेई मेंस के हुए हैं, और हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं एडवांस के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर रिव्यू एंड हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ अमित। अमित दास। अमित। अमित। अमित आपका पेपर कैसा गया है? पेपर वॉज लाइक मिड मिड कैसेस, लाइक द केमिस्ट्री पोर्शन वॉज ईजी, द फिजिक्स पोर्शन वॉज लाइक इन द मिडल एंड द मैथ्स वॉज एट अ टफर साइड। ठीक है, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके? एक्सपेक्टेड मार्क्स तो लाइक ऐसे नहीं पता, लेकिन लाइक मैंने अटेम्प्ट करे हैं अप्रॉक्स 40 के अराउंड क्वेश्चंस, तो नहीं, अटेम्प्ट तो आपने ठीक किए हैं, और जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो एडवांस का होने वाला है, क्या आपको लगता है आप क्रैक कर लोगे कट ऑफ? अभी जितनी तैयारी है, लाइक मैं लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से लाइक सो मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा हमारी टीम की तरफ से आपको, और द मेंटा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें काउंसलिंग्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसको देखिए और काउंसलिंग्स अपनी कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? अभय।
भाई, अभी अभी तो एग्ज़ाम दे के आए, अपना ये बताइए कैसा था पेपर? एग्ज़ाम ऐसा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ठीक थी लेकिन मैथ्स काफ़ी टफ। सभी बच्चे लमसम यही कह रहे कि मैथ्स टफ थी। और आपको क्या लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि गलत कितने होंगे, इस पर डिपेंड करता है। रॉन्ग अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? मैथ्स ज़्यादा प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम को मतलब केयरफुली अटेम्प्ट करें। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी हो पेपर देते वक्त, जो आपको क्लिक कर गया हो कि बहुत अच्छा है क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉर्मली पेपर गया सब। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं था। एक्साइटिंग नहीं था पेपर में, मतलब सब पढ़ा हुआ आ रहा था, समझ में आ रहा था? हाँ, जैसे एक दो टॉपिक्स नहीं पढ़े थे तो उसमें से क्वेश्चन आए थे तो छोड़ना पड़ा था। ठीक है, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आपको, द टीम की तरफ से। और द मेंटा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें काउंसलिंग्स के बहुत सारे वीडियोस हम देते हैं बच्चों को समय समय पे, सारे लेटेस्ट अपडेट्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। सो बेटा, ये हमारे जेई मेंस का रिव्यू रहा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, जिनने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो, ताकि हम आपको और ऐसे वीडियोस देते रहें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, अभी जो पेपर बच्चे हुए हम कोशिश करेंगे वहाँ पे सेंटर में आके आपका रिव्यू लेने की, तो प्लीज़ डू कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।